बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहरी टाइम की रूटीन एक दिन की, और उम्मीद है कि आज के ये जो सहरी पे मैं बनाऊँगी पराठे आपको पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं कि मैं अपनी सहरी जो है वो किस तरह से कर रही हूँ और फैमिली मेम्बर्स को किस तरह से दे रही हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा कि लास्ट नाइट मैंने दाल कद्दू बनाया था, तो उसको तड़का नहीं था लगाया, तो वो तड़का मैं अभी लगा रही हूँ। उसके लिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा ऑयल दिया है और उसमें एक अनियन डाला है स्लाइस करके। अब जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन होगा तो इसमें मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने नमक मिर्च बहुत मिनिमम रखी थी और वो काफ़ी हद तक कम है। और ये चिली फ्लेक्स इसमें चले गए, और अब इसी के साथ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और क्योंकि ये रेडी है तो अब इसके साथ इसमें दाल कद्दू जो है वो बॉयल वो ऐड कर देंगे। तो दाल कद्दू भी चला गया इसमें, अब इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करके तो बस ये ऑलमोस्ट डन है, कुक्ड है। इसको ज़्यादा टाइम देने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस ये हो गया इस तरह से। ये देखें आप कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आ गया, और सहरी में टाइम भी थोड़ा सा रह गया, तो मैं जल्दी जल्दी इसको जो है वो बना रही हूँ झटपट। सो ये लीजिए, दाल का जो रेडी है, इसको थोड़ा सा गार्निश करके कवर करके रख दूँगी। और जब तक पराठे रेडी होंगे तो इसमें एक बहुत जो है मज़ेदार सा एक अरोमा जो है वो राइस होगा। सो यहाँ पर दाल का जो रेडी हो गया, अब इसको कवर कर दें। और ऑन द अदर हैंड पराठे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, इस तरह से सर्कल कर लें और फिर आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड करके तो फिर उसको तवे पे डालते हैं। अब जब तक ये थोड़ा सा पकता है, आपने अभी फ़ौरन से इसके ऊपर घी नहीं लगाना। ये देखिए पकना शुरू हो गया, अब थोड़ा सा बस इसके ऊपर लगाएं और उसी के साथ जो है मैं इसको दोनों साइड्स पे मिक्स करूँगी, और दूसरी साइड पे जो है वो अलग से नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ये एक ही इसी क्वान्टिटी में जो है वो दूसरी साइड से भी पक जाएगा। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा क्रंची और सॉफ्ट जो है पराठा रेडी हो गया स्क्वायर शेप में। क्योंकि मेरी फैमिली राउंड नहीं खाती तो इसलिए हम स्क्वायर ही बनाते हैं। और ये हो गया, बिल्कुल कम अमाउंट में ऑयल है, घी है सॉरी। और ये लीजिए कुड़क मज़ेदार सा पराठा रेडी है। एक और इस तरह से बनाते हैं, और वो भी देखिए आप। तो ये डल गया इसके ऊपर, और इस तरह से मैं अब सारे बना लूँगी। तो इसको यहाँ पर मैं फ्लिप करूँगी और फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार सा जो है ये एन्जॉयबल मोमेंट है इसको फ्लिप करने का। और ये फ्लिप हो गया है, पक चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। सो गाइस, ये है मेरी सहरी रूटीन, आई होप आपको पसंद आएगी। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।